हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चीनू क्रिएशन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए येलो कलर में ड्रेस लेके आई हूँ। इसे आप मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसे बड़े त्योहार पर पहनाकर अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर सकते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये येलो कलर की, ग्रीन कलर और रेड कलर की बेबी वूल ली है, और एक ये मैंने 12 नंबर का क्रोशिया लिया है, और एक हमें चाहिएगा कटर। तो आज हम ये 5 नंबर की ड्रेस बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ये 5 नंबर की चोली बना ली है। तो 5 नंबर की चोली की मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख के इसे बना लीजिएगा। और इससे आगे का हम ये स्टार्ट करते बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ सामने से नहीं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा मैं बैक साइड से यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें क्रोशिया हुक में नोट लगा ली है, और अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ इसको। ये देखिए, ये पहले मैंने एक ये सिंगल स्टिच बना लिया यहाँ पे, तो और एक और दो, दो मैंने चेन बना ली। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसको भी हम एक चेन के बराबर मानेंगे, तो ये टोटल हमारी हो गई 3 चेन। और अब मैं नेक्स्ट चेन के अंदर जाऊंगी और वहां पे मैं 2 बार क्रोशिया, डबल क्रोशिया बना लूंगी, एक बार और 2 बार, और नेक्स्ट चेन में जाऊंगी एक बार बना लूंगी। ये देखिए, उससे नेक्स्ट में मैं 2 बार बना लूंगी, एक बार और ये 2 बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। इसी तरह से मैं अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी, एक बार एक चेन स्टिच में, एक बार एक चेन स्टिच में, 2 बार, एक में एक बार, एक में 2 बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया, और अब जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी ना, उसकी जो लास्ट वाली चेन है, तीसरी चेन, उसके अंदर मैं इसे ले जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। ये देखिए, आप देखिए, 1, 2 और 3, ये मैंने 3 चेन बना ली, और सेम अब इसी के अंदर मैं एक बार और बना लूंगी। ये देखिए, सेम चेन स्टिच के अंदर मैंने दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, ये नेक्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट के जैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे मैंने पीछे से उठाया और ये फ्रंट पोस्ट बना दिया। और अब जो नेक्स्ट हमारा चेन स्टिच है, उसके अंदर मैं 2 बार डबल स्टिच बना दूंगी, 1, 2, और उससे नेक्स्ट वाली को हम फ्रंट पोस्ट के जैसे बनाएंगे। ये देखिए, और अब जो नेक्स्ट चेन स्टिच है, उसके अंदर मैं 2 बार डबल स्टिच बना लूंगी, 1 और 2। ये देखिए, ये मैंने एक चेन स्टिच के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसको हमने फ्रंट पोस्ट के जैसे बनाया, उससे नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और फिर मैंने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर मैंने 2 बार ये, इसी तरह से अपना पूरा राउंड मैं कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ, और ये मैंने 2 बना लिए, और अब ये लास्ट वाले को मैं ये फ्रंट पोस्ट के जैसे मैं ये उठा के बना लूंगी। और ये जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था 3 की चेन, इसमें स्लिप स्टिच से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब 1, 2 और 3, ये 3 मैंने चेन बना ली, और अब जो इसके जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर मैं 2 बार बना लूंगी, एक बार दो बार। ये देखिए, पहले जो हमने ये चेन के अंदर ये 2 बार बनाया था, अब जो एक है इसके ऊपर तो हमने एक बार बनाया, और जो दूसरा है उसके ऊपर हमने 2 बार बनाए, तो ये हमारे पास 2 से हो गए 3। और अब ये जो फ्रंट पोस्ट हमने बनाया था, उसको हम फ्रंट पोस्ट के जैसे ही बना लेंगे। देखिए,
और अब जो ये हमारे जो नेक्स्ट जो हमने दो बनाए थे उसमें से पहले के ऊपर मैं एक बार बना लूंगी और दूसरे के ऊपर मैं दो बार बना लूंगी, तो ये फिर से हमारे पास हो जाएंगे दो से तीन। ये देखिए नीचे दो थे, अब हमारे पास तीन हो गए। और फ्रंट पोस्ट को मैं फ्रंट पोस्ट के जैसे बना लूंगी। ये देखिए ये जो हमारे तो हर दूसरी स्टिच के ऊपर हमें दो बार बनाना है, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट के जैसे ही बनाना है। इसी तरह से मैं ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और अब मैं ये लास्ट वाले के फ्रंट पोस्ट जो हमने बनाया था उसे फ्रंट पोस्ट की तरह बना लूंगी। और ये जो हमारी तीन की चेन है इसमें मैं ले जाके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और एक चेन बना के मैं ये धागा काट दूंगी। ये देखिए अब तक हमारी बनके ऐसी तैयार होगी ड्रेस। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम रेड कलर से वर्क स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए पहले तो मैंने ये देखिए इसमें नोट बना ली है और अब मैं इसमें यहां जो हमने येलो कलर का वर्क फिनिश किया था ना वहीं से इसको मैं सेम चेन स्टिच के अंदर डाल के इसे सिंगल स्टिच से पहले तो इसे ज्वाइन कर लूंगी। और फिर देखिए एक और दो, ये दो चेन बना लूंगी। और अब देखिए अब ये तीन चेन मानेंगे, ये सिंगल स्टिच को चेन मानेंगे और दो मैंने ये डाली है इसमें चेन, तो ये टोटल हमारी तीन चेन होगी। और अब देखिए मैंने धागा लिया और ये नेक्स्ट चेन के अंदर भी मैंने एक डबल क्रोशिया बना लिया। और अब उससे नेक्स्ट पे जाऊंगी, इसमें भी मैं एक बार डबल स्टिच बना लूंगी। अब देखिए ये हमारा जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था फ्रेंड्स, ये फ्रंट पोस्ट की जो हमारी चेन है इसके अंदर हम दो बार बना लेंगे। ये देखिए एक बार और दो बार। अब देखिए ये जो बाकी हमारे जितने भी डबल स्टिच हैं इनके अंदर मैं एक बार बना लूंगी, एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार और फिर इससे नेक्स्ट वाले में भी मैं एक बार बना लूंगी। ये देखिए ये हमारा फिर ये फ्रंट पोस्ट आ गया। तो ये फ्रंट पोस्ट वाले जो इस क्रोशिया इसके अंदर हम दो बार बना लेंगे। ये देखिए एक बार और ये दो बार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमें बाकी जितने भी हमारे चेन स्टिच है सब में एक एक बार बनाना है। और जैसे ही हमारे ये फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमें दो बार बनाना है। इसी तरह से अपना ये पूरा राउंड मैं अपना ये कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूं मैं। और अब ये लास्ट वाली जो चेन है हमारी तीसरी, उसमें ले जाके इसे स्लिप स्टिच से मैं ज्वाइन कर दूंगी। एक चेन बना के मैं धागे को काट दूंगी। देखिए अब हम इसमें येलो कलर लगाएंगे फिर से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं येलो कलर स्टार्ट करूंगी। तो ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है ना, इससे एक आगे इधर वहां से मैं इसको स्टार्ट करूंगी। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट का क्रोशिया है और इसके आगे वाले क्रोशिये में ये यहां पे मैं इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन करूंगी। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये एक और दो, दो बार मैं धागा ले लूंगी। और ये जो हमने हमारा जो फ्रंट पोस्ट है ना इसके अंदर से इसे फ्रंट पोस्ट को यहां से उठा लूंगी, इस ऐसे फ्रंट पोस्ट को ऊपर बनाऊंगी दो बार धागा लेके। और ये देखिए ये एक ट्रिपल स्टिच जैसे मैं इसको, सॉरी इसको पूरा नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने दो बार धागा करके और ये छोड़ लिया। और अब मैं फिर से ये दो बार मैं धागा ले लूंगी और इधर इस साइड जो हमारी ये फ्रंट पोस्ट है इसको भी मैं
ऐसे ही बना लूंगी, फ्रंट पोस्ट के जैसे ही उठा लूंगी। और ये देखिए, ये एक बार मैंने दो धागे निकाले और फिर ये निकाले, फिर अब ये हमारे पास तीन आ गए। अब इन तीनों को हम इकट्ठा निकाल देंगे ऐसे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन के आ जाएगा। तो अब देखिए, जो ये हमने बना लिया ना, तो इसके पीछे से हम ये चेन, इसके नाम की ये चेन छोड़ देंगे और ये नेक्स्ट चेन में बनाएंगे ये ऐसे। सिंगल स्टिच बनाएंगे, सिंगल स्टिच बना लिया मैंने, अभी एक सिंगल स्टिच हो गया। और अब ये देखिए दो, और नेक्स्ट में बनाऊंगी तीन, फिर उससे नेक्स्ट में बनाऊंगी चार। ये देखिए, तो ये वाला जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है ना, इससे ये एक आगे ये सिंगल स्टिच हमारा आ गया। तो अब देखिए, फिर से मैं ये एक और ये दो बार मैं धागा लूंगी। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बना है। अभी इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर से भी हमने फ्रंट पोस्ट बनाया, और इसके इधर वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर भी हमने ट्रिपल स्टिच बना के और फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए, अब मैं ये दो बार मैंने धागा ले लिया, अब इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर से भी बनाएंगे हम पहले इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, इसे पूरा नहीं किया मैंने, ये दो धागे मैंने रख लिए। अब फिर से मैं ये एक और ये दो धागा लूंगी, और ये देखिए इसके बाद वाला जो ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसको भी हम फ्रंट पोस्ट के जैसे ही बना लेंगे। ये देखिए, मैंने ये एक बार दो धागे निकाले और दो बार धागे निकाले, इसे भी मैंने कम्प्लीट नहीं किया। फिर ये हमारे पास तीन आगे, और अब इन तीनों को एक कर दिया। और अब देखिए, ये जो पीछे की जो चेन है इसे हम छोड़ देंगे, और इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसको हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये दिखने में हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब फिर से मैं ये चार बार सिंगल स्टिच बना लूंगी यहाँ पे। एक हमारा हो गया, ये दो, तीन, और ये चार। ये देखिए, ये चार सिंगल स्टिच हो गए हमारे। अब फिर से हम दो बार धागा लेंगे, पहले इसमें से बनाएंगे और फिर ये इधर वाला जो इस है हमारा, इसके अंदर से ट्रिपल स्टिच बनाएंगे फ्रंट पोस्ट पे। एक और दो, दो मैंने धागा लिया और यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे दो बार धागा लेके। देखिए ऐसे, इसे कंप्लीट नहीं किया। फिर मैं ये एक और दो बार धागा लूंगी, अब इधर से बना लेंगे ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इस पे भी हम बना लेंगे ऐसे। ये एक बार और ये दो बार। ये देखिए, हमने कंप्लीट नहीं किया, अब इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे पास तीन नुक आ गए, अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब इसके जो पीछे की जो चेन है उसे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, इसके ठीक पीछे वाली चेन को छोड़ के उस साथ वाली जो चेन है उसमें हमने बना लेंगे। और फिर से ये मैं चार सिंगल स्टिच बना लूंगी और फिर से इसी तरह से बना लूंगी। ये देखिए, इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। और अब ये लास्ट में भी मैं इसे बना के, ये देखिए, दो बार धागा लिया और एक बार मैं इस जो ये हमने पहले बनाया है फ्रंट पोस्ट, इसी के ऊपर दोबारा से मैं ये और बना लूंगी। देखिए, अभी इसे कंप्लीट नहीं किया। और फिर से मैंने दो बार धागा लिया और एक बार जो हमने स्टार्टिंग में फ्रंट पोस्ट बनाया था, इधर भी मैं ये एक बार फ्रंट पोस्ट बना लूंगी और अब इसे कंप्लीट कर दूंगी। ये देखिए ऐसे, तीनों को एक साथ। और अब ये पीछे मैं एक चेन छोड़ दूंगी ये वाली, और इस वाली चेन के अंदर मैं ये बना लूंगी।
और ये सिंगल स्टिच बना लूंगी मैं सारी। ये जो चेन स्टिच है हमारे, ये देखिए एक तो हमने स्टार्टिंग में बनाया था और तीन चेन स्टिच हमारे ये हो गए। और अब मैं ये जो स्टार्टिंग वाला जो एक चेन स्टिच है उसके अंदर मैं इसे ले जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। और फिर मैं ये एक चेन बना के और ये येलो धागा काट दूंगी। और अब हम रेड कलर से वर्क करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रेड कलर से नोट बना ली। और अब देखिए जहां से हमने ये वर्क छोड़ा है ना येलो कलर का, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये इसी चेन स्टिच में ले जाके मैं पहले तो इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी देखिए। और अब ये एक और दो, दो मैंने ये चेन बना ली। और अब ये देखिए जो हमारी ये जो फ्रंट पोस्ट की जगह है ना ये वाला, इसी पे है, इसलिए इसमें हम दो बार बनाएंगे ये देखिए। और बाकी जो हमारे चेन स्टिच है उनके अंदर हम एक एक बार डबल स्टिच बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने एक बार बना लिया और अब मैं नेक्स्ट में बनाऊंगी एक बार फिर उससे नेक्स्ट में भी मैं एक बार बना लूंगी फिर उससे नेक्स्ट में एक बार बना लूंगी देखिए। और अब ये देखिए जहां पे हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाए थे यहां मिलान बीच का, इसकी चेन स्टिच है इसके अंदर हम दो बार डबल स्टिच बना देंगे एक बार और ये दो बार। ये देखिए हमें पूरा राउंड इसी तरह करना है। ये जो चेन स्टिच है उनमें सब में एक एक बार बनाना है और जो ये हमारा फ्रंट पोस्ट वाला जो चेन स्टिच आएगा इसके अंदर हमें दो बार बनाना है। इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रेड कलर से अपना राउंड कंप्लीट कर लिया। और अब मैं इसे ज्वाइन करके और धागा काट दूंगी। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम येलो कलर से वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले मैंने इस क्रोशिया हुक में नोट बना ली। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके ऊपर हमने ये दो बनाए हैं ये देखिए यहाँ, और बाकी सभी यहाँ एक एक बनाए हैं। तो अब हम ये जो दो है ना इनको छोड़ के और जहां पे ये सिंगल बनाया हम वहां से इसको स्टार्ट करेंगे वर्क को। ये देखिए ये मैंने एक सिंगल स्टिच बना लिया। अब हम ये नेक्स्ट में सिंगल स्टिच बनाएंगे फिर उससे नेक्स्ट में और फिर नेक्स्ट में एक और, तो तीन चार हो गए हमारे। और अब ये हो गए टोटल हमारे पांच। ये देखिए ये जो हमने ये दो बनाए थे ना, दो के ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है वहां तक हमें बनाना है। तो ये फर्स्ट वाले स्टिच तक बनाए हमने यहाँ पे, तो ये हमारे टोटल पांच आ गए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब भी मैं ये एक और दो, दो बार मैं धागा ले लूंगी और ये जो हमने यहाँ जो फ्रंट पोस्ट का यहाँ मिलान किया था उनको मैं फ्रंट पोस्ट के जैसे यहां से हम बनाएंगे। तो ये दो बार धागा लेके यहाँ पे एक मैं ये देखिए इन दोनों के नीचे से मैं ये क्रोशिया हुक निकाल लूंगी और यहाँ पे एक मैं ट्रिपल स्टिच बना दूंगी फ्रंट पोस्ट के जैसे। ये देखिए ऐसे। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब जब हमने ये बनाया फ्रंट पोस्ट तो इसका हमारे पास चेन स्टिच ये आ गया। तो अब यहां हम बनाएंगे तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें इंक्रीज करना नहीं है। तो हम यहाँ पीछे से एक चेन इसको छोड़ देंगे और इससे नेक्स्ट वाली जो चेन है उसके अंदर जाके हम ये बना लेंगे सिंगल स्टिच। ये देखिए, और फिर से हम आ जाएंगे सिंगल स्टिच बना लेंगे सभी जो ये हमारे ये देखिए, ये जो हमने ये दो बनाए हैं एक के अंदर
इन दो में से जो ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है वहां तक हमें बनाना है। तो ये वहां तक ये मैंने ये देखिए ये जो दो इंक्रीज किए थे उसका जो फर्स्ट डबल स्टिच है वहां तक मैंने ये बना दिया। अब फिर से मैं ये एक और दो दो बार धागा ले लूंगी और फिर से यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये देखिए ऐसे ये देखिए और ये जो दो वाला जो दो इंक्रीज किए थे उसके जो फर्स्ट था उसके उस तक तो हमने ये बना ही लिया और जो ये सेकंड वाला है इसको हम छोड़ देंगे और फिर से ये जो हमने सिंगल 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 जो ये बनाए हैं डबल स्टिच उनके ऊपर मैं ये बना लूंगी। ये देखिए ऐसे और फिर से मैं ये बनाते हुए ये जो हमने ये दो बनाए हैं इसका जो ये फर्स्ट स्टिच है यहां तक मैं बना लूंगी। ये देखिए ये जो दो बनाए हमने इसके फर्स्ट स्टिच तक हमने बना लिया। अब मैं ये दो बार धागा लूंगी और यहां में फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए और ये जो हमारा सेकंड वाला डबल स्टिच था इसको हम छोड़ देंगे और फिर से ये जो हमने सिंगल सिंगल डबल स्टिच जो बनाए हैं उनके ऊपर मैं बना के और आगे जाऊं। ये देखिए ये देखने में हमारा इस तरह से आ जाएगा और इसी तरह से अपना मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और ये अब ये लास्ट वाला जो हमारे फ्रंट पोस्ट है इनको भी मैं बना के देखिए ये चेन स्टिच है लास्ट वाला इसको मैं छोड़ दूंगी। इसे यहाँ फर्स्ट जो हमारा सिंगल स्टिच है इसमें ज्वाइन करके स्लिप स्टिच इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। अब देखिए ये एक दो और तीन तीन मैं चेन बना लूंगी और ये अब नेक्स्ट चेन स्टिच में जाके डबल स्टिच बना लूंगी। फ्रेंड्स अब हमारे पास जितने भी ये चेन है हमारी उन सब के अंदर मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी और इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कम्प्लीट कर लूंगी। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और अब मैं इसे यहाँ ये तीसरी जो चेन तीन हमने बनाई थी उसकी जो लास्ट वाली चेन है तीसरी उसके अंदर इसे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन बना के और धागा काट दूंगी। और फ्रेंड्स अब हम इसमें लगाएंगे ग्रीन कलर। ये देखिए फ्रेंड्स ये जहाँ से हमने पीला रंग जो फिनिश किया था उसी वाली चेन स्टिच के अंदर से मैं इसे स्टार्ट करूंगी। ये देखिए सिंगल स्टिच से स्टार्ट कर लिया और अब ये एक और दो मैं चेन बना लूंगी और अब नेक्स्ट चेन स्टिच के अंदर मैं डबल स्टिच बना लूंगी। अब उससे नेक्स्ट ये देखिए फ्रेंड्स अब हमें हर ये सातवीं जो चेन स्टिच है उसके अंदर दो बार बनाना है और इसी तरह से मैं अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने एक दो तीन चार पांच और छह डबल स्टिच मैंने बना लिए और अब ये सातवां डबल स्टिच है हमारा इसके अंदर मैं दो बार बना लूंगी। ये देखिए एक बार बना लिया मैंने और एक बार सेम चेन स्टिच के अंदर मैं और बना लूंगी। अब ये फिर से मैं ये छह डबल स्टिच बना लूंगी सिंगल सिंगल। ये देखिए हर एक के अंदर और सातवें स्टिच के अंदर मैं दो बार बना लूंगी। इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और अब जो ये स्टार्टिंग में हमने जो तीन चेन बनाई थी उसकी चेन में लास्ट वाली में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके देखिए एक चेन बना के और मैं धागा कट कर दूंगी और ये ग्रीन कलर का वर्क हमारा यहीं पे फिनिश होता है। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसमें येलो कलर से वर्क स्टार्ट करेंगे तो जहां पे हमने ग्रीन कलर छोड़ा था वहीं ठीक उसी जगह से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ।
देखिए मैंने इसमें नोट बना लिए और ये मैं सिंगल स्टिच से इसको मैं इसमें ज्वाइन कर लूंगी। और अब हम ये पूरी लाइन सिंगल स्टिच से ही बनाएंगे। तो ये मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, यहां भी मैं सिंगल स्टिच बना लूंगी, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल स्टिच, देखिए जितने भी हमारे पास चेन स्टिच है हर चेन के अंदर एक एक बार मैं सिंगल स्टिच बना के और अपना ये राउंड कंप्लीट करूंगी। और ये देखने में देखिए ऐसा लगेगा, ये देखिए फ्रेंड्स ये अपना राउंड मैंने सिंगल स्टिच वाला पूरा कर लिया। और अब इसे मैं यहाँ जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था सिंगल स्टिच उसमें ले जाके ज्वाइन कर दूंगी। और अब एक चेन बना के मैं सेम इसी जगह पे एक बार सिंगल स्टिच बना लूंगी, ये देखिए। और अब देखिए एक दो और तीन, ये तीन चेन बना के और यहां से देखिए ये एक और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर मैं ले जाके इसको एक सिंगल स्टिच बना लूंगी, देखिए। और फिर से ये एक दो और तीन, ये तीन चेन बना लूंगी और ये एक और दो चेन स्किप करके तीसरी चेन के अंदर मैं इसे सिंगल स्टिच बना लूंगी, फिर से एक दो तीन चेन बनाई और ये दो चेन स्किप करके और तीसरी में बना लूंगी, ये देखिए। ये मैंने तीन ये चेन बनाई और फिर नीचे दो चेन स्किप करके तीसरी में ये डाला, फिर से तीन चेन बनाई नीचे से दो चेन स्किप की और ये बनाई। इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। और अब ये जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल स्टिच बनाया था इसके अंदर मैं इसे ले जाके स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूंगी। और अब ये देखिए जो हमारा नेक्स्ट जो ये होल है इसके अंदर भी मैं ये स्लिप स्टिच बना के इस होल में आ जाऊंगी। और अब एक दो और तीन, तीन ये मैंने चेन बना ली और तीन चेन बनाने के बाद में अब इसमें मैं टोटल हमें 10 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये एक तो ये जो तीन की चेन बनाई है इसे हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे और 9 बार और मैं इसमें डबल क्रोशिया बना लूंगी। तो ये हमारे हो गए टोटल एक दो तीन चार ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 10 बार डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब मैं एक दो तीन और चार, चार मैंने चेन बना ली। और ये देखिए अब जो ये नेक्स्ट वाला होल है इसको छोड़ देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, उससे नेक्स्ट वाला है इसके अंदर हमें एक सिंगल स्टिच बना लेंगे, देखिए। और अब एक दो और तीन मैं चेन बना लूंगी, तीन चेन बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाला जो है हमारा इसके अंदर जाके मैं एक सिंगल स्टिच बना लूंगी, ये देखिए ऐसे। उसके बाद में मैं एक दो तीन और चार, चार में चेन बनाऊंगी और ये जो नेक्स्ट है ना इसकी इसको छोड़ देंगे और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर में जाके 10 बार डबल क्रोशिया बना लूंगी, देखिए इसमें मैं 10 बार डबल क्रोशिया, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 10 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक दो तीन और चार, चार बार मैंने चेन बना ली और ये वाला नेक्स्ट होल छोड़ के और उससे नेक्स्ट वाले में देखिए ये एक होल बीच में छोड़ के और उससे अगले वाले होल के अंदर मैं सिंगल स्टिच बना लूंगी। और एक दो और तीन, तीन चेन बनाने के बाद में इससे जस्ट नेक्स्ट वाला है उसके अंदर मैं बना लूंगी, देखिए। फिर एक दो तीन और चार, ये चार चेन बनाने के बाद में ये इससे नेक्स्ट वाले को छोड़ के और फिर इसमें बनाऊंगी मैं 10 बार डबल क्रोशिया, ये देखिए। ये पहले मैंने ये इस होल के अंदर 10 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर ये
एक होल छोड़ के और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर मैंने चार चेन बना के और एक सिंगल स्टिच बनाया। फिर मैंने तीन चेन बनाई और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर सिंगल स्टिच बनाया, और फिर मैंने चार चेन बनाई और एक होल ये बीच में छोड़ दिया, और उससे नेक्स्ट वाले के अंदर आके मैंने ये 10 बार डबल स्टिच बनाए हैं। तो इसी तरह से मैं अपना ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया और अब ये इसे मैं छोड़ के, और ये चार चेन मैंने बना ली, और ये जो स्टार्टिंग में हमने जो तीन चेन बनाई थी उसकी जो लास्ट चेन है उसके अंदर मैं इसे ले जाके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, और एक चेन बना के और ये येलो कलर का धागा मैं काट दूंगी। अब फ्रेंड्स हम इसमें वर्क करेंगे रेड कलर से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेड कलर में मैंने क्रोशिया हुक में नोट बना ली है और अब हम ये बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा बीच में हमने जो ये बनाया है ना, देखिए ये पहले ये चार की चेन बनाई और फिर ये तीन स्टिच और फिर ये बीच में एक होल और फिर ये, तो ये जो सेंटर वाला होल है ना हमारा, इसमें मैं इसे सिंगल स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी। और अब देखिए, एक दो और ये तीन, तीन मैंने चेन बनाई है, और अब मैं इसमें ये देखिए, ये जो हमारी जो चेन स्टिच है ना, इसमें से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, ये जैसे ये चेन स्टिच है, इसके अंदर मैंने यहाँ जो फर्स्ट हमारा चेन स्टिच है डबल क्रोशिया का, उसमें मैंने डाला और फिर ये सेकंड वाले के अंदर डाल के और ये पीछे को चली गई। और ये मैंने धागा लिया ये देखिए, और एक ये डबल स्टिच मैं यहां पे बना लूंगी। और अब मैं यहां पे एक चेन ले लूंगी। अब ये जो नेक्स्ट है जिसमें हमने पहले डाला था ना, ये देखिए पीछे से एक बार तो इसी में डाल लेंगे, पीछे से इसी में डाल लूंगी, और आगे से मैं ये नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी ये वाली, इसके अंदर डाल के मैं ऐसे क्रोशिया हुक को करके और फिर ये एक डबल स्टिच बना लूंगी, और फिर मैं ये क्रोशिया सॉरी एक चेन बना लूंगी। और फिर देखिए, ये धागा लिया और ये देखिए, ये जो हमने बनाया था इसी के अंदर से मैं ये पीछे से ये क्रोशिया हुक को डालूंगी ऐसे, और आगे से मैं ये नेक्स्ट वाली जो चेन है हमारी इसमें से डाल के ये देखिए ये बैक पोस्ट बना लूंगी, ये एक चेन बना लूंगी। इसी तरह से मैं सभी जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं सबकी चेन के अंदर से मैं बैक पोस्ट बना लूंगी। इस तरह फिर एक चेन बनाऊंगी, और हर डबल क्रोशिया के बाद में मैं एक चेन बना रही हूं। ये देखिए, ये जो हम बैक पोस्ट बना रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये डबल क्रोशिया को नहीं उठाया, इसकी जो जो चेन है उसी के अंदर से मैं बैक पोस्ट बना रही हूं। ये फिर ऐसे मैंने एक चेन बना ली और ये बैक पोस्ट, फिर एक चेन और ये बैक पोस्ट। ये जो हमारे 10 हमने डबल स्टिच बनाए थे, 10 डबल स्टिच के ऊपर ये हमारे 10 डबल स्टिच आ जाएंगे, और सबके अंदर मैंने पहले बीच बीच में एक एक चेन बनाई है हर डबल स्टिच के बाद में। ये देखिए, अब ये हमारा लास्ट वाला है, इसके अंदर भी हम बना लेंगे। ये देखिए, इसमें से निकाला और ये लास्ट वाला है, तो ये देखिए ऐसे निकाल दिया मैंने।
ये देखिए, ये हमारा देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। जितने भी हमारी ये चेन है, चेन के अंदर से मैंने ये बैक पोस्ट बनाया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से मैं ये एक दो और तीन, तीन मैंने चेन स्टिच ले ली, और जो हमारे ये बीच वाला होल है इसके अंदर मैं सिंगल स्टिच बना लूंगी। ये देखिए, और फिर से ये एक दो और तीन, तीन चेन बना लूंगी। और फिर ये जो हमारे दस जो बनाए हुए हैं ना, इनके ऊपर मैं फिर से बैक पोस्ट बना लूंगी। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट, ये देखिए, सब में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी और एक एक चेन बना लूंगी। ये देखिए, ये देखने में हमारा इस तरह से आ जाएगा। और इसी तरह से मैं अपना पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं अपना राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। और अब ये एक दो और ये तीन, तीन मैं चेन बना के, ये जो हमने फर्स्ट जो सिंगल स्टिच बनाया था इसकी चेन स्टिच के अंदर ले जाके मैं इसे सिंगल स्टिच से, सॉरी स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करके और एक चेन बना के और ये धागा काट दूंगी। रेड कलर का वर्क हमारा यहीं पे खत्म होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब तक की हमारी बनके ड्रेस ऐसी तैयार हुई है। अब हम इसमें, ये देखिए फ्रेंड्स, ये येलो कलर से मैंने इस क्रोशिया हुक में नोट बना ली। और अब हम देखिए, ये जो हमारे जो ये रेड कलर से जो हमने बनाए थे डबल क्रोशिया, उनके हम चेन स्टिच के अंदर नहीं बनाने, ये जो बीच की जगह है यहाँ पे, इन जगह पे हम बनाएंगे। तो देखिए, ये पहले मैं यहाँ फर्स्ट जो ये हमारा है इसके अंदर मैं ये सिंगल स्टिच बना लूंगी। देखिए, और फिर ये एक दो और तीन, ये तीन चेन बनाने के बाद में मैं सेम इसी के अंदर फिर से एक बार सिंगल स्टिच बना दूंगी। ये देखिए, और अब मैं नेक्स्ट होल के अंदर जाऊंगी यहां, और यहां पहले मैं एक सिंगल स्टिच बना लूंगी, उसके बाद में एक दो तीन, ये तीन चेन बना लूंगी और फिर ये सिंगल स्टिच इसी के अंदर फिर से दोबारा मैं सिंगल स्टिच बना लूंगी। फिर ये नेक्स्ट में जाऊंगी, ये देखिए, ये सिंगल स्टिच बनाया पहले, फिर एक दो और तीन चेन बनाई और फिर से दोबारा यहीं पे सेम जगह पे मैं सिंगल स्टिच बना दूंगी। और अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो पहले मैं सिंगल स्टिच बनाऊंगी और फिर एक दो और तीन चेन बना के और सेम इसी जगह पे मैं फिर से ये सिंगल स्टिच बना दूंगी। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हमारे बनाए थे, तो ये एक दो तीन और ये चार हमारे हो गए, और ये पांच ये बिल्कुल सेंटर वाला है, तो इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, एक बार और ये दो बार, ये मैंने सेंटर वाले के अंदर, ये देखिए, ये चार बार तो ये हमने ये बनाए हैं चेन स्टिच से और सिंगल स्टिच से, और ये पांचवे के अंदर मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाया है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद में मैं ये एक दो तीन और ये चार, चार मैंने चेन बना ली। और अब यहाँ पे हम एक प्रिल बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ इस तरह से इन दोनों धागों को उठा के और यहाँ सिंगल स्टिच बना लूंगी, और ये देखिए एक हमारा प्रिल आ गया, और दो डबल क्रोशिया मैं सेम इसी जगह पे फिर से बना लूंगी। देखिए, ये एक और ये दो बार, ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अब जो हमारी ये साइड है, इस साइड भी हम जैसे ये बनाया हमने सेम इसी तरीके से इस साइड भी हम बना लेंगे। देखिए, पहले तो मैं यहाँ साइड में एक सिंगल स्टिच बना लूंगी, ये एक दो तीन चेन बना के और फिर से सिंगल स्टिच बना लूंगी। देखिए, और फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, सिंगल स्टिच बना लूंगी, एक दो तीन और चार, और फिर से सेम जगह पे ही मैं ये बना लूंगी। ये देखिए, ये जितने भी हमारे हैं इन सब के अंदर मैं इसी तरह से बना लूंगी।
देखिए ये हमारा दिखने में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये चार तो ये पेटल हमारे इस तरफ बन गए और चार ये इस तरफ बन गए और बीच वाले में हमने ऐसे बना लिया। और अब देखिए अब हमें यहाँ पे कोई चेन नहीं बनानी और ये जो हमारा रेड कलर वाला सिंगल स्टिच है इसके ऊपर हम सिंगल स्टिच के ऊपर एक सिंगल स्टिच बना लेंगे देखिए ऐसे। और फिर यहाँ अब हमें इस तरफ भी कोई चेन नहीं बनाएंगे और सीधा ये जो हमारा जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर ये फर्स्ट वाला इसके बाद की ये जो जगह यहाँ पे मैं आ जाऊंगी ये देखिए। और सेम हमने जैसे ये बनाया इसी तरह से मैं यहाँ बना लूंगी और इसी तरह से अपना ये राउंड कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैं अपने राउंड के लास्ट में आ गई हूँ और अब ये जो सिंगल स्टिच था हमारा इसके अंदर मैं इसे सिंगल स्टिच बना के और ये जो हमने फर्स्ट जो सिंगल स्टिच बनाया था उसमें ले जाके इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन बना दूंगी और धागा काट दूंगी। और इस धागे को मैं पीछे अच्छे से एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बनके ऐसी तैयार होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और ये ड्रेस पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।